हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए केयरिंग वुमन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है पलाडियो खराडी सेंट्रल बाय विलास चावड़ेकर एट खराडी बाईपास रोड पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग कुछ ग्लिम्पसेस देखेंगे पलाडियो खराडी सेंट्रल के बारे में। तो दोस्तों, इसका एलिवेशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन बाकी सारा डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ये मास्टर प्लान है प्रोजेक्ट का, जो कि खराडी बाईपास रोड के ऊपर है। और ये 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर इसमें 4 टावर आ रहा है। तो यहाँ पर टावर 1 रहेगा, टावर 2, टावर 3 एंड टावर 4। और यहाँ पे जो एमिनिटीज़ देख रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल पे एमिनिटीज़ है, कुछ एमिनिटीज़ पोडियम लेवल 1 पर है, कुछ एमिनिटीज़ पोडियम लेवल 2 के ऊपर है, और कुछ एमिनिटीज़ रूफ टॉप के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 3 लेवल बेसमेंट पार्किंग होगा, ग्राउंड में पार्किंग होगा, 2 लेवल पोडियम में पार्किंग होगा, और उसके ऊपर 21 हैबिटेबल फ्लोर्स है। और यहाँ पर दोनों टावर्स में, हर एक बिल्डिंग में, हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट दिया गया है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3 BHK फ्लैट्स। 4 BHK भी अगर आप चाहते हो तो 4 BHK भी इसमें आप बना सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों डेवलपर इज विलास जावड़ेकर। विलास जावड़ेकर इज अ ब्रांडेड डेवलपर। उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया है पुणे में, और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी बहुत सारा चल रहा है, और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों येल्लो कलर का जो मार्क आप देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर के तरफ ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल प्लाजा दिया गया है, रिटेल जोन दिया गया है, जो कि ग्राउंड लेवल पर होगा और फर्स्ट लेवल पर होगा। तो यहाँ पर करीबन 35 रिटेल शॉप्स दिया गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स के नीचे ही आएगा। और हर एक शॉप का जो विड्थ होगा वो 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर तक का विड्थ होगा। तो शॉप के कारपेट एरिया और प्राइजेस के लिए वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों जो इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, बट सिमिलर टाइप ऑफ रिटेल प्लाजा रहेगा नीचे, ग्राउंड प्लस 1 का प्लाजा रहेगा, और ज़्यादातर यहाँ पर सभी ब्रांड्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप येलो कलर का जो मार्क आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स का ड्राइववे इन और ड्राइववे आउट रहेगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। तो दिस इज़ द एंट्री गेट फॉर द कॉम्प्लेक्स, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट। और यहाँ पर सिक्योरिटी कैबिन दिया गया है विद बूम बैरर्स, और प्लस वॉशरूम फॉर सर्विस स्टाफ दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए काफ़ी बढ़िया सा ड्राइववे इन और ड्राइववे आउट दिया गया है, विद प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स एंड लार्ज ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज। उसके बाद यहाँ पर जो लाइटेड पोर्शन आप राइट साइड पर आप देख रहे हैं, जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पर गार्डन दिया गया है। तो दिस इज़ बेसिकली कम्युनिटी जोन, जहाँ पर आपको वर्शिप एरिया, गार्डन विद लॉन, मिनी एम्पी थिएटर, फ्लैग होस्टिंग पोल, यंग किड्स प्ले एरिया एंड ग्रैंड पेरेंट्स नुक्स मिलता है। तो ये दोस्तों कुछ इमेजेस है जहाँ पर आपको अच्छा सा गार्डन मिलता है, सीनियर सिटीजन के लिए सिट आउट्स एरिया दिया गया है। उसके बाद ये जो हाईलाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सोशल जोन है, जो कि पोडियम लेवल 1 पर रहेगा, जहाँ पर आपको लैप पूल, लीजर पूल, विविंग पवेलियन, मल्टीपर्पज डेक, क्लब हाउस और वेलनेस एरिया दिया गया है। तो स्विमिंग पूल कुछ इस तरीके का रहेगा दोस्तों, जहां पर आपको सन डेक मिलता है, प्लेंटी ऑफ ट्रीज, लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज एंड प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स विल बी देयर। उसके अलावा ये जो हाईलाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रिक्रिएशन जोन है, जो कि पोडियम लेवल 2 पर दिया गया है, जहाँ पर आपको मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट मिलता है, टीनेजर सोशल पॉड्स मिलता है और प्ले एरिया मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मल्टीपर्पज कोर्ट दिखाया गया है, चिल्ड्रेंस प्ले एरिया है, और काफ़ी बड़ा सा लॉन है उसके साथ में। उसके बाद ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, यहाँ पर रूफ टॉप के ऊपर स्काई लॉन्च जोन दिया गया है। तो जितने भी एमिनिटीज़ है यहाँ पर सारे रूफ टॉप के ऊपर आएगा, जहाँ पर आपको अर्बन केप व्यू डेक मिलता है, सन डाउनर लॉन्च, ओपन टू स्काई सिटिंग, स्टार गेजिंग नुक, कम्युनिटी किचन विद सर्विस एरिया, बारबेक्यू डेक एंड ककून सिटिंग्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एमिनिटीज़ दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है, ये कुछ एमिनिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों स्टॉक इमेज है, लेकिन कुछ इस टाइप का एमिनिटीज़ आपको रूफ टॉप के ऊपर मिलेगा, जहाँ पर एक तरफ आपको जूस बार मिलता है और एक तरफ आपको बारबेक्यू एरिया भी मिलता है।
तो प्रोजेक्ट दोस्तों प्राइम लोकेशन पर है एट खराड़ी एंड द एग्जैक्ट लोकेशन फॉर दिस इज एट खराड़ी बाईपास रोड एंड द प्रोजेक्ट नेम इज पलाडियो खराड़ी सेंट्रल बाय विलास जावड़ेकर। तो यहाँ पर दोस्तों खराड़ी काफ़ी सेक्टर्स में बहुत ही जोरों शोरों में डेवलप्ड हुआ है और आगे भी डेवलप्ड हो रहा है, स्पेशली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आईटी हब्स को लेकर, एडुकेशन को लेकर और सिटी एसेस को लेकर। आप पुणे की कोई भी लोकेशन पे आप खराड़ी से आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। वाटर सप्लाई यहाँ पर 24 आवर्स अवेलेबल है। बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स इस प्रोजेक्ट के आसपास में अवेलेबल है और वैसे भी बिल्डिंग के नीचे ही रिटेल प्लाजा आ रहा है जहाँ पर ब्रांड्स आने वाले हैं। प्लेंटी ऑफ सिक्योरिटीज हैज़ बीन गिवन इन दिस कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी एमिनिटीज है उसके अलावा भी सराउंडिंग एरियाज में बच्चों के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है और मेट्रो इसके पास के एरिया में बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो मेट्रो शुरू होने से भी अगेन इस प्रॉपर्टी को बेनिफिट मिलता है और आप यहाँ से कोई भी लोकेशन पर आप इजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा दोस्तों इस प्रोजेक्ट के पास में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और यौन आईटी पार्क है। और दूसरा दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यौन आईटी पार्क इस प्रोजेक्ट के पास में है तो जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं उनके लिए वर्क प्लेस और होम प्लेस बिल्कुल पास में ही है। तो खराड़ी पिछले सालों में बहुत ही फास्ट डेवलप्ड हुआ है और भी आने वाले सालों में बहुत ही जोरों शोरों से डेवलप्ड हो रहा है। तो इसके पास में दोस्तों कोलंबिया एशिया मेडी पॉइंट है एंड राइजिंग मेडी केयर है और इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरियाज में दोस्तों बहुत सारे रिनाउंड स्कूल है जैसे यूरोकिड, फिनिक्स वर्ल्ड एंड मेनी मोर। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट वाइज प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में फिनिक्स मार्केट सिटी है और एमोनोरा मॉल है। तो यहाँ पर दोस्तों खराड़ी सभी सेक्टर्स में बहुत ही जोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है, भले फिर वो कमर्शियल हो, रेसिडेंटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड सिविक इंफ्रा। तो यहाँ पर दोस्तों डीपी प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये है पलाडियो खराड़ी सेंट्रल बाय विलास जावड़ेकर। इसके पास में वडगांव शेरी है, ये खराड़ी है, ये यौन आईटी पार्क है। यहाँ पर इनका और एक प्रोजेक्ट चल रहा है यशवंत हॉरिजोंटे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये अपर खराड़ी है। अपर खराड़ी के बिल्कुल पास में से ही रिंग रोड पास होगा जो कि इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में होगा और जितने भी डार्क ब्लू कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर डीपी प्लान में ये सारे डार्क ब्लू कलर्स है, ये सारा कमर्शियल जोन है, ये सारा कमर्शियल जोन है। उसके बाद आप येलो कलर का जो आप देख रहे हैं ये सारा रेसिडेंटल जोन है और जो टर्किश कलर है डैट इज फॉरेस्ट जोन। और दोस्तों यहाँ पर मुझे टर्किश कलर प्रॉपर दिख नहीं रहा है इसके लिए मैं आपको फॉरेस्ट जोन क्लियरली बता नहीं पाऊंगा। और जो ग्रीन कलर है, जितने भी ग्रीन कलर्स आप देख रहे हैं डैट इज गार्डन एंड पार्क एरिया, जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब ग्रीन बेल्ट जो है दिस इज गार्डन एरिया। और यहाँ पर भी आप रिवर साइड के सामने आप देखेंगे दिस इज ऑल ग्रीन बेल्ट, यहाँ पर भी आप देखेंगे दिस इज ग्रीन बेल्ट। और जितने भी पर्पल है ये वाला आप देख रहे हैं दिस इज सॉफ्टवेयर एरिया, दिस इज ऑल सॉफ्टवेयर एरिया, यहाँ पर लिखा भी है आईटी पार्क। एंड पिंक कलर जो है दिस इज पब्लिक जोन, जो पिंक कलर जितना भी आप देख रहे हैं दिस कुड बी पब्लिक गार्डन, पब्लिक सेंट्रल पार्क और एनीथिंग, दिस आर ऑल पब्लिक एरियाज, ये जितना भी आप देख रहे हैं। तो टाउनशिप इज वेल बैलेंस्ड, इट इज़ वेल बैलेंस्ड एंड वेल प्लान्ड, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलती है, कमर्शियल, रेसिडेंटल, फॉरेस्ट जोन, गार्डन, सॉफ्टवेयर पार्क, प्रपोज रिंग रोड एंड पब्लिक जोन। इस प्रोजेक्ट का दोस्तों जो आर्किटेक्ट होगा वो सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट होगा। तो सिंगापुर में दोस्तों जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो ग्रीन बेल्ट को, ग्रीन जोन को भी ध्यान में रखते हुए डेवलप्ड हो रहा है। तो यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट में ग्रीन जोन को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जाएगा। तो डेवलपमेंट के साथ साथ प्लांटेशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी डेवलपर ने दो टावर लॉन्च किया है, दिस इज टावर वन जहाँ पर हर एक फ्लोर के ऊपर चार फ्लैट है और दिस इज टावर टू जहाँ पर हर एक फ्लोर के ऊपर चार फ्लैट है। और सामने की तरफ आप देखेंगे दिस इज हाई स्ट्रीट रिटेल बिलो जो कि एल शेप में आएगा। ये अब पीछे की तरफ आप देखेंगे ये सेकेंड लेवल पर एमिनिटीज है, ये फर्स्ट लेवल पर एमिनिटीज है और ये जो एमिनिटीज है ये ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है। तो ये दोस्तों काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, हर एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ चार फ्लैट दिया गया है एट पलाडियो खराड़ी सेंट्रल बाय विलास जावड़ेकर। और यहाँ पर दोस्तों जो मेन डोर है
फ्लैट का डेट इज वेरी हाइटेड डोर जो कि 7.5 फीट का डोर है और 3 फीट विड्थ में रहेगा, और इसका जो लॉक भी जो है वो स्मार्ट लॉक एसेसिबल रहेगा, और उसके अलावा भी फ्लैट के अंदर जितने भी वायरिंग्स है, पेंटिंग्स है, सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स है, किचन में टैप और सिंक वगैरह जो भी होगा सारे ब्रांडेड क्वालिटी की फिटिंग्स होगी। विंडोज और बैल्कनीज में आपको टफन ग्लास दिया गया है। विट्रिफाइड टाइल्स जो होगा वो 4 फीट बाय 6 फीट होगा, तो इट्स अ लार्ज टाइल्स। और स्काई डेक में वाटर इनलेट एंड आउटलेट का प्रोविजन दिया गया है, प्रोविजन फॉर रेन शावर्स इन मास्टर बाथरूम एंड फायर रिंकलर्स इन एंटायर होम्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये 3 BHK का यूनिट प्लान है, हम लोग किसी एक यूनिट प्लान को रिफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 BHK अलग अलग वेरिएंट है, 1085 कारपेट, 1040 कारपेट एंड 1030 कारपेट, और इसका जो प्राइस शुरू होगा वो 1.50 CR से शुरू होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, बट दीज आर ऑल टेंटेटिव प्राइस, फॉर एग्जैक्ट प्राइस वी हैव टू वेट फॉर द लॉन्च डेट। और 2 BHK का यूनिट प्लान इसमें नहीं दिया है, लेकिन 2 BHK कारपेट एरिया होगा 755 एंड 775, इसका प्राइस शुरू होगा 1 CR से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। पर दोस्तों दीज आर ऑल टेंटेटिव प्राइस, प्राइस मे वेरी वंस द लॉन्च टेक प्लेस ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ मे, दैट टाइम प्राइस माइट वेरी, तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट प्राइस। तो अभी आपको जो देना है वो सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट देना है जो कि सिर्फ 1 लाख रुपया है। और फाइनली दोस्तों पोजिशन इस बिल्डिंग का होगा जून 2027। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।